पापा ने ये लगवाया इसका वाइजर ऊपर के लिए, पूरा मेटल का है, ऐसी लग रही है, पूरी लेमिनेटेड हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भी गाइस बज रहे हैं 2:30 और मैं स्कूल से आ गया हूँ। फिर मैंने कैप ही याली लगा के गया था गाइस, आज स्कूल के अंदर नहीं लगाई थी, बाहर ही बार लगाई थी, अंदर लगाई नहीं थी। क्या ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, कपड़े गए ना पहन के, फिर ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा तो पहले कपड़े बदल लेता हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं 5, तो अभी पापा नीचे आए, मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने कुछ स्कूटी में कुछ लगवाया हुआ, तो देख कर आता हूँ मैं नीचे। देखो पापा ने ये लगवाया इसका वाइजर ऊपर के लिए, तो ये तो पूरा मेटल का है, देखो मगर अंदर का हल्का सा स्क्रैच आ गया था, पूरा चेंज हो गया गाइस इसका। ये एक्चुअली गाइस एमटी का है, देखो एमटी लिखा हुआ है, तो सही लग रहा है वैसे ब्लू कलर में, ये बढ़िया लग रहा है। हल्के से यहाँ पे स्क्रैच दिख रहे हैं, ये रहे बस, ये देखो पे लेमिनेशन करा दी थी ना, पूरा कवर हो गया था। देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेमिनेशन पूरी, मतलब पूरी बॉडी पे है, ये वो यहाँ तक आगे तक भी है, मडगार्ड पे भी है। लेमिनेशन अगर पहले होती तो सेफ्टी रहती, स्टीकर पे पहले कुछ नहीं होता गाइस। ये भी सही लग रहा है गाइस, ये आयरन का है, वो प्लास्टिक का था, ये ज़्यादा मजबूत है लगा गाइस, उससे तो बढ़िया लग रहा है जो अंदर था प्लास्टिक का, क्योंकि गाइस वो प्लास्टिक का था, ये थोड़ा डिजाइनी भी लग रहा है, थोड़ा हार्ड भी और मजबूत भी है गाइस। मेरी पूरी लेमिनेशन छड़ चुकी है, शाइन भी आ रही है गाइस, एयरॉक को पूरे तरीके से ढक दिया है। ऐसे अभी आ गया हूँ पूरी गाड़ी ढककर, अभी पूरा ढक दिया है उसका कवर से, ये अभी पॉलिश भी कर ली थी मैंने थोड़ी थोड़ी, और अभी मैं उसे पूरे तरीके से ढके आया हूँ। उसका वाइजर वगैरह दिखा दिया मैंने, लेमिनेशन भी दिखा दी। अभी बज रहे हैं 6। खेल गई खेल गई लिली, देखो उंगली पे काट रही है, छोड़ दे। अब मैं निकल रहा हूँ ट्यूशन, ट्यूशन का टाइम हो गया, पूरे 6 बज चुके हैं करेक्ट, तो पहले ट्यूशन निकलते हैं उसके बाद बाकी ब्लॉग करते हैं गाइस वहाँ से आने के बाद। तो अब चलता हूँ गाइस और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी गया पर यह ट्यूशन, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, तो गाइस मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी। तो गाइस अभी लीली दिखाता है, लीली गाइस अपने आप को साफ कर रही है, रुको गाइस, लीली अपने आप को साफ कर रही थी, देखो तो लीली भैया ट्यूशन स्कूल गया था, पापा जी बाहर रखे हुए थे बालकनी पे। तो गाइस क्या हुआ, इतनी सारी चीले आ चुकी थी हमारे बजीज के पास, आ चुकी थी गाइस, बजीज थे ना, बजीज रखे हुए, तो उन्हें देख देख के बार बार इतने पास पास जगह से उड़ उड़ के जा रहे हैं। गेम लगाई मैंने दिखाया, मैं तो फाइट पे मेरे मुक्का मार देती तेज गाइस, देखो गाइस देरी गाइस बिल्कुल लड़का अलग लड़का, देखो गाइस गाइस बिल्कुल लड़के की तरह लग रही है, देखो गाइस बिल्कुल लड़के की तरह। तो गाइस लाइक कर दो इस वीडियो को गाइस, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय गाइस। ऐसा देखो गाइस मुझे बना रही है क्या, देखो रात हो चुकी है गाइस, बहुत कोहरा हो रखा है गाइस, ठंड बहुत हो रही है गाइस, अभी बहुत ठंड हो रही है, इसलिए हम गेट लगा के रखते हैं गाइस। अभी तो हमने खोल दिया है गाइस गेट, गाइस अब तो देख रहा हूँ बहुत ठंड हो रही है गाइस। मैं आ गया हूँ ट्यूशन से, अब जिम जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आज लेट भी हो गया हूँ, तो अभी जिम निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ गाइस आपसे थोड़ी देर में। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जिम से और बिल्कुल अभी बज रहा है 9:30, हालत खराब हो रही है, कोई सामान वगैरह लेकर सब आता हूँ ना तो बहुत देर लग जाती है गाइस, और इतनी देर में मतलब अब टाइम भी नहीं मिलता। अम्मी देखो गाइस पैसे यहीं चला के छोड़ गई, और ये कहीं भी रख के छोड़ जाती है गाइस, अम्मी पैसे भूल ही जाती हैं। तो गाइस अभी गए ना मेरे बिल्कुल एसिडिटी से बननी है, पता नहीं काय को, मम्मी बहुत सारे अमरूद लाए थे जिसमें से 2 अमरूद में खा लिया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था स्कूल से आने के बाद, सिर्फ अमरूद ही खाए थे, और जब से एसिडिटी सी बन रही है पता नहीं क्या लगा गाइस, अमरूद की सी आ रही है पता नहीं, अंदर से जब भी डकार आ रही है ना अमरूद की सी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो अभी बाहर चली गई थी इसके अंदर घुस गई, बाहर चली गई थी अभी ये इंसान से ढूंढने के लिए, गली में चली गई रोते रोते इधर से उधर घूम रही, भगोने में जाके बैठी भी थी गाइस ये, और इंसान से गली गली ढूंढ रही रो रो कर, और ये बैठी भी भगोने में। लिली ऐसा काम मत करो, जाओ गाइस लिली कैप पहनेगी गाइस, रात में साथ मैं बैठी भी यहां पे, ये यहां वो थोड़ा सा झांक रही, सोचे मैं इसके साथ खेल लूं, मैं जैसे से पकड़ने गई तो आज भी टूची कर लिया, आज भागने लगा, मैं खबर से मार दिया, मैं को नहीं मारा गाइस, देखो खरोचा मार दिया। गलती इसकी भी एक होगी गाइस, एकदम क्या ना जानवर जो भी होता है तो उन्हें क्या है ना हम प्यार से रखेंगे तभी वो मानेंगे, और ये एकदम जाती है और एकदम उस पर हमला सा कर देती है, तो इस कारण वो डर जाती है, और डरने की वजह से ही वो थोड़ा क्या है ना इरिटेट सा हो जाती है। तो मेरे साथ तो आज तक ऐसा करानी यही बताती है, क्योंकि गाइस ये हरकत ही ऐसी करती है गाइस, कभी जाएगी एकदम छलांग मार के उसे चुपक जाएगी, कभी भी हम अपने जानवर को कुछ भी पालने लाए ना तो उसको पहले बिल्कुल
इसको ऐसे करना पड़ता है कि गाइस उसे ऐसा लगे, कंफर्टेबल लगे। और ऐसे एकदम जाती है तो उसे डरा देती है गाइस। और मैं जब भी उसे पकड़ता हूँ उसे प्यार से पहले पकड़ता हूँ, और ये जाती एकदम हमला सा कर देती है गाइस। अभी देखो गाइस कैसे बैठी पे, मुझे मालूम है ना ये कुछ नहीं करती। आओ लिली, गाइस नहीं करती कुछ। लिली आओ 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 आओ, गलती इंसा की है गाइस सच्ची में। मेरे साथ क्यों नहीं करती गाइस, मेरे साथ रात में सोती है और मेरे साथ आज तक इन्हें ऐसा कुछ नहीं करा। अंधेरे में भी मतलब डरती नहीं गाइस, सही है, मेरे पास ही रहती है। तो अभी देखो कैसे आराम से बैठी हुई है। लिली लिली सो गई गाइस, ये नींद आ रही है। लिली लिली हाय बोलो हाय। तुम ऐसा नहीं करती ना, देखो गाइस अभी भी कैसे आराम से बैठी हुई मेरे साथ, बहुत अच्छे से खेलती है ना लिली। लिली देखो, लिली देखो गाइस अब भी इतने आराम से, मतलब मैं जैसे जैसे पकड़ूंगा वैसे रही गाइस। जाओ, ये एक तरीका होता है कि जानवरों को पकड़ने का, आप उनसे ज़बरदस्ती करोगे तो आपसे भागेंगे। और मैं इसे जब भी जाने का मूड होता है मैं इसे प्यार से भेजता हूँ, वैसे ज़बरदस्ती से भगाता नहीं हूँ। लिली लिली दो गाइस, अब मैंने जब से दरी चाहिए ना तो ये यहीं लेटती है जाके, इसके लिए भी सही है, इसे ठंडा भी लगता था गाइस ज़मीन पे। लिली बस कैसी हवाएं चल रही हैं अभी, देखो देखो पर्दा हिल रहा है ना हल्का हल्का। जैसे मेरा चेहरा पूरे तरीके से जचने लगा है गंजेपन से, और थोड़े थोड़े बाल भी आने लगे हैं, वो मैंने पूरे नहीं कराया। वैसे गाइस मेरे को बाल के हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बाल टूटते हों या नहीं आते हों या थोड़े से बाल आ रहे हों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे को हैंड जो गैप पिंपल थे और जो डैंड्रफ था इसी की प्रॉब्लम थी, और किसी की चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। और ये सॉल्व हो जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत सी, मेरे बाल बहुत अच्छे आते हैं मुझे इतना पता है गाइस। मेरे बिल्कुल भर के बाल आते हैं मुझे, अगर मैं गंजे हो गया और क्या करूँगा गाइस, बिल्कुल जड़ से गंजा हो जाते। कितने लोग बोले थे कि तू पूरे पूरे मतलब शेव कर रही थी गंजा पूरा क्लीन करा लेता, बट मैं गाइस मेरे को ऐसा कराने नहीं है क्योंकि गाइस इससे पता क्या होगा, इससे मेरे चेहरे के जो बाल हैं वो पूरे ही जड़ से गायब हो जाएंगे और ऊपर से बाल पता नहीं कब आएंगे। सही भी नहीं लगता गाइस, मैं उसे तो पहन के तो बाहर बिल्कुल नहीं जा पाता। अभी तो मैं ऐसे स्कूल भी चले जाता हूँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे नहीं जा पाता गाइस। माइक का यूज़ करना पड़ा करेगा, फोटो ब्लॉग कर रहा था ना मेरी बहुत वॉइस ख़राब आ रही थी, तो इसलिए मैं अब माइक का यूज़ करा करूँगा। तो अब मेरे को है ना एक छोटा वाला माइक मंगाऊंगा जो कि वायर लग के यहाँ से जाया करेगा, और हेलमेट में अटैच कर दूंगा जिससे जब मैं ब्लॉगिंग करा करूँगा ना तो क्लियर वॉइस मेरे फ़ोन तक चली जा करेगी। मैं स्कूल की पैंट रोज़ पहन के जाता हूँ, पता नहीं कैसे फट जाती है, इतना कच्चे सिलाई होती है ना पैंट में, पता नहीं कैसे फट जाती है। अभी सिलवा रहा हूँ मुझे, देखो गाइस कितनी फटी है ये, फटी है गाइस ये पैंट फटी है मेरी, ये देखो ये पैंट है जो फटी हुई है, ये पूरा हिस्सा मुझे कैसे जाके कवर करना पड़ता होगा खुद को, जैसे ऐसी फटी फटी पैंटे पहन के जाऊँ। मतलब फटी तो मतलब स्कूल जाके गाइस जीने पे जा रहा है एकदम, पचा गवा जाई और देखा तो नीचे हो गया काम। गाइस अपना चेहरा बनाया जा रही है बार बार ऑनलाइन, एक ऐप कर रखा है, कौन सा ऐप है? मीवो। क्या मीवो? ये नहीं हो सानिया, लग रही गाइस सानिया लग ही नहीं रही, हल्का हल्का इतना हिस्सा लगता है इतना नहीं लगता, नहीं लग रही, नहीं लग रही। जिसको खाना कौन देगा है, चेहरे बनाते रहे बच्चे को खाना दे। गाइस ये रहा मेरा बिस्तर, बिस्तर बिछ चुका है, हार हो रहा, बहुत ठंडा मौसम गाइस, रात हो चुकी है, शायद सामने फॉग सा आ रहा है बहुत सारी, एकदम ब्राइटनेस से आ रही है सामने इधर ही है। तो गाइस मुझे अभी करना पड़ेगा ब्लॉग का एंड, क्योंकि अभी बज रहे रात के 11:30, तो मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा सी यू। Bye bye guys.